हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव इंग्लिश विद शैलेंद्र कुमार में। हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब के बारे में और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइट हैव। सबसे पहले हम माइट हैव के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग माइट हैव बीन के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें कम संभावना होती है तथा पता चलता है कि काम हो गया है। जब किसी कार की पॉसिबिलिटी अभी हुई हो या कार थोड़ी देर पहले हुआ हो तो हम लोग माइट हैव का यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस में पॉसिबिलिटी संभावना दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग माइट हैव का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग वाक्य को बनाते हैं। एग्जाम्पल है, हो सकता है वहां बारिश हुई हो, इट, उसके बाद माइट हैव, उसके बाद रेन मीन्स वर्षा होना और उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रेंड, देयर मीन्स वहां, इट माइट हैव रेंड देयर। एग्जाम्पल अगला है, आपने मेरा नाम सुना होगा या शायद आपने मेरा नाम सुना होगा या हो सकता है आपने मेरा नाम सुना होगा, तो संभावना इसमें कम है काम होने की, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइट हैव का यूज करेंगे। सबसे पहले यू, उसके बाद माइट हैव, हियर मीन्स सुनना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म हर्ड हो जाएगी और माई नेम, यू माइट हैव हर्ड माई नेम। एग्जाम्पल अगला है, हो सकता है वह मेरे घर पहुंच गई हो, सी माइट हैव रीच मीन्स पहुंचना, थर्ड फॉर्म रीच एट माई होम, She might have reached at my home. Example अगला है, हो सकता है वे जयपुर चले गए हो, शायद या हो सकता है आ रहा है, तो संभावना इसमें कम है, तो सबसे पहले दे, उसके बाद माइट हैव, गो मीन जाना होगी, थर्ड फॉर्म होगी गॉन टू जयपुर, दे माइट हैव गॉन टू जयपुर। अभी तक हम लोगों ने माइट हैव के बारे में पढ़ा, अब हम लोग माइट हैव बीन के बारे में पढ़ेंगे। माइट हैव के पैसिव वॉइस में हम लोग माइट हैव बीन का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग माइट हैव बीन का यूज पैसिव वॉइस के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल है, हो सकता है वो तुम्हारे द्वारा मारा गया हो, तो सबसे पहले ही, उसके बाद माइट हैव बीन, उसके बाद किल्ड मीन्स मारना और थर्ड फॉर्म किल्ड बाई यू, ही माइट हैव बीन किल्ड बाई यू। हो सकता है सड़कें बंद कर दी गई हों, संभावना काम होने की संभावना जो है वो कम है, इसलिए कैसे बनेगा ये बात, सबसे पहले रोड्स, उसके बाद माइट हैव बीन, उसके बाद ब्लॉक मीन्स बंद होना और थर्ड फॉर्म आएगी ब्लॉक्ड, रोड्स माइट हैव बीन ब्लॉक्ड। एग्जांपल अगला है, शायद हम उसके द्वारा पढ़ाए गए होंगे, शायद आ गया, काम होने की संभावना बहुत कम है, सबसे पहले बी, उसके बाद माइट हैव बीन, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, थर्ड फॉर्म होती है टॉट, उसके बाद बाई, उसके बाद हर, We might have been taught by her. आज आपने might have और might have been के बारे में सीखा। पिछली बहुत बहुत सारी वीडियो में मैंने मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक वो सभी मॉडल वर्ब नहीं पढ़ी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी मॉडल लिंक की नीचे लिंक दी है, आप वहां से उन मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल अट्रैक्टिव इंग्लिश विद शैलेंद्र कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।